हाँ जी किवे सारे, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं पातला ब्लॉग्स। और आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ब्लैंको की नई सीरीज रॉयल कलेक्शन में से सेकंड परफ्यूम, जिसका नाम है एम्पायर। और इसका जो रिव्यू है, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियोज की लेंथ मैंने छोटी कर दी है, तो इसलिए सारे परफ्यूम एक वीडियो में कवर अप करने की बजाय मैंने इसके अलग अलग पार्ट्स बना दिए हैं हर एक परफ्यूम के लिए सेपरेटली। तो सबसे पहले फ्रेग्रेंस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी क्लेम्स के हिसाब से जो नोट्स हैं वो बता देता हूं आपको। तो टॉप नोट्स में है लेवेंडर और एप्पल, बेस नोट्स में है एम्बर, लैबडेनम और लेदर के नोट्स। और लैबडेनम अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो रॉक रोज नाम के फ्लावर्स जो है उनमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और उसके साथ में जो नोट्स मिलते हैं हमें वो कौन कौन से होते हैं, तो वो नोट्स जो है वो थोड़ा सा एनिमलिक होता है, लेदरी, और एनिमलिक होता है बहुत कम, लाइक मतलब कि बहुत ज्यादा माइन्यूट एनिमलिक टाइप का होता है, लेकिन लेदरी होती है वो टोन। और उसके साथ में थोड़ा सा वार्म होती है और थोड़ी सी स्वीट होती है, माइल्ड सी, और साथ में वुडी होती है, और ये होता है लैबडेनम का नोट। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी क्लेम्स कितने सही है कितने नहीं। तो सबसे पहले फ्रेग्रेंस, हमें जब हम इसको स्प्रे करते हैं तो बहुत ही ज्यादा सिंथेटिक सी वाइब आती है इसमें से, और उसके साथ में बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा ना शार्प टाइप का नोट है, और उसके साथ में एल्कोहलिक सी वाइब है। और जब ये थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाती है तो हमें नोट्स में मिलता है एप्पल और लेवेंडर के साथ साथ में नोट्स मिलते हैं थोड़े थोड़े से, बहुत ज्यादा लाइक डोमिनेंट नहीं है, तो उस हिसाब से मिलते हैं हमें। और उसके साथ में हमें मिलता है थोड़ा सा वुडी नोट मिलते हैं लेदरी टोन के साथ, और मस्की टाइप का थोड़ा सा मिलता है लैबडेनम की वजह से। और ये सारे मिक्सअप होके एक काफी अच्छी कॉम्पोजिशन है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो कॉम्पोजिशन अच्छी है और यूनिक टाइप की फ्रेग्रेंस है, और इतनी भी यूनिक नहीं है, लेकिन हाँ ऐसी है कि अगर आप इसको स्मेल करोगे तो अच्छी लगेगी आपको, गारंटी है। और ड्राई डाउन में इसकी जो खुशबू है वो ऐसी हो जाती है कि अगर आपने कोई लकड़ी देखी हो, जब लकड़ी का काम कहीं पे चल रहा होता है तो उसमें एक लकड़ी होती है जो कि थोड़ी सी इसमें एक गांठ होती है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑयल कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, और उस वो बहुत ज्यादा शाइन कर रही होती है, और वहां पे ऑयल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, वहां पे स्मेल बहुत ज्यादा शार्प होती है। तो इसका जो बेस नोट तो बिल्कुल उसके जैसा वुडी इसका जो बेस नोट है वो फील होता है। और अगर आपको इसकी लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन वगैरह के बारे में बताऊं तो वहां पे सारे ही परफ्यूम्स इसके मात खाते हैं, खुदा जाने क्यों ऐसा है, लेकिन ऐसा ही है। परफ्यूम वर्जन लिखा तो हुआ है या नहीं अभी वो पता नहीं, लेकिन हाँ इसकी लॉन्जेविटी 4 घंटे से ज्यादा आपको मिल जाएगी, कपड़ों पे मैं बात कर रहा हूँ, तो 4 घंटे से ज्यादा मिल जाएगी आपको, और मतलब कि इतना टाइम महसूस होता रहेगा आपके आसपास वालों को, उसके बाद आपके काफी करीब आ जाता है और 7-8 घंटे तक आपके आसपास रहेगा। और वो बबल जो क्रिएट होता है वो ऐसे क्रिएट नहीं होता, तो वो ऐसे क्रिएट होगा, ठीक है। तो इतना ही एरिया जो आपके बॉडी का है तो ये कवर करेगा, और इसकी प्रोजेक्शन ठीक ठाक सी है, और पहले 20-25 मिनट तक इसकी प्रोटेक्शन रहती है। और अगर आपको बताऊं मैं इसकी एज या फिर ओकेजन वगैरह, तो एज मैं आपको, तो अगर आप 23 साल से ऊपर है तो आपको अच्छी लगेगी, और डेली वेयर के लिए भी ठीक है, और पार्टीज वगैरह डेट नाइट वगैरह के लिए ठीक है मेरे हिसाब से, तो ये चल जाएगी। और अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो, छोटा सा रिव्यू, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर आपने इसके साथ वाले परफ्यूम्स की वीडियोस देखनी है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो, और अगर कोई क्वेरी वगैरह है तो नीचे कमेंट में बता सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। चंगा फिर मुझे देख लीजिए।